हे गाइज, स्मार्टफोन रेडमी ने अपने नए फ्लैगशिप फोन रेडमी K50 अल्ट्रा को लॉन्च कर दिया गया है। भाई, ये स्मार्टफोन को अपने घरेलू मार्केट यानी कि चीन में लॉन्च किया है, जिसमें हमें स्नैपड्रैगन 8 प्लस जेन 1 का प्रोसेसर और 12 GB की रैम दी गई है। तो गाइज, ये स्मार्टफोन को अब इंडिया के अंदर कब तक लॉन्च किया जाएगा और इंडिया प्राइस क्या होगी, साथ ही किस स्पेसिफिकेशन पर हमको देखने को मिलेगा, सब कुछ हम इस वीडियो में पूरा डिटेल में जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप और भी ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम बिना देर के वीडियो करते स्टार्ट। तो भाई, ये स्मार्टफोन के सबसे हम पहले लुक और डिजाइन को लेकर के बात करेंगे। तो इस बार रेडमी काफी बेहतरीन डिजाइन के साथ इस स्मार्टफोन को लॉन्च किया है और गाइज, ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 12 पर बेस्ड है, MIUI 3 पर रन करता है, LPPDDR5 का रैम है, ट्रिपल कार्ड स्लॉट का ऑप्शन दिया गया है जिसमें आप 2 SIM एक माइक्रो SD कार्ड अलग से यूज कर पाओगे। और हाँ गाइज, ये स्मार्टफोन को 4 वेरियंट में लॉन्च किया गया है। इसका जो बेस्ट वेरियंट है वो 8 GB की रैम, 256 GB का स्टोरेज दिया गया है। वहीं पे इसका जो टॉप वेरिएंट है गाइस, वो आपको 12 GB की रैम और 512 GB का स्टोरेज दिया गया है। तो भाई, अगर हम इस स्मार्टफोन के प्रोसेसर की बात करेंगे तो इस बार हमें रेडमी के इस फोन में काफी दमदार पावरफुल प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 प्लस जेन 1 का प्रोसेसर है। और गाइज, ये प्रोसेसर 4nm फैब्रिकेशन पर बना हुआ है। तो दोस्तों बता दो कि प्रोसेसर काफी दमदार पावरफुल है, जिसमें आप गेमिंग काफी बढ़िया से कर सकते हो। इसके अलावा इस फोन के हम डिस्प्ले की बात करते हैं तो 6.7 इंच की फुल HD रेजोल्यूशन की एक OLED डिस्प्ले दी गई है, जो कि 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आई है और 480Hz का टच सैंपलिंग रेट भी दिया गया है। तो गाइज, ये डिस्प्ले पंच होल डिस्प्ले है, जो कि काफी बढ़िया डिस्प्ले है। अगर हम इसके कैमरा की बात करते हैं तो ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है, जो कि 108MP का प्राइमरी कैमरा है, 8MP का अल्ट्रा, 2MP का माइक्रो कैमरा दिया गया है। भाई, इसके बैक कैमरा से आप 4K 30fps वीडियो को रिकॉर्ड कर पाओगे और सेल्फी के लिए इसमें आपको 20MP का फ्रंट कैमरा यूज किया गया है। इसके फ्रंट कैमरा से आप Full HD 30fps वीडियो को रिकॉर्ड कर पाओगे। तो भाई, कैमरा क्वालिटी भी काफी जबरदस्त का देखने को मिलेगा, जिसकी हेल्प से आप काफी बेटर क्वालिटी की फोटो भी क्लिक कर पाओगे। वहीं पर इस फोन में पावर बैकअप के लिए 120W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5000mAh की बैटरी दी गई है। चार्जिंग के लिए USB Type-C केबल है। सिक्योरिटी की बात करें तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है और फेस अनलॉक है, साथ ही 3.5mm का हेडफोन जैक भी प्रोवाइड किया गया है। और गाइज, इसमें आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर है IP53 रेटिंग के साथ आता है। तो गाइज, अगर हम इस स्मार्टफोन की प्राइस की बात करेंगे तो यह स्मार्टफोन 8GB रैम और 256GB स्टोरेज की एक्सपेक्टेड प्राइस है 39,000 रुपया। अब हम बात करते हैं स्मार्टफोन की लॉन्च डेट की। तो यह स्मार्टफोन की एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है 7 दिसंबर 2023। उम्मीद है तब तक ये इंडिया में देखने को मिल जाएगा। तो भाई, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिएगा। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।